हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग थ्योरेटिकल क्लास पढ़ने वाले लॉजिक गेट्स के बारे में, लॉजिक गेट्स के टाइप, उसका क्लासिफिकेशन और उसके ट्रूथ टेबल भी हम लोग पढ़ने वाले। ये सेशन आपके बीएमसी जेई एज वेल एज एमएससी रिसेल जेई डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन को आप कंप्लीट एंड तक देखना। इस सेशन में हम लोग डिटेल में लॉजिक गेट्स का यूज़, उसका ट्रूथ टेबल, बुलियन लॉजिक क्या होता है, ये सभी चीज़ें पढ़ने वाले। ये सेशन आपके हर एक एग्जाम में काम में आएगा जहाँ पे लॉजिक गेट्स के बारे में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में आपने नोटिस किया होगा एक या दो लॉजिक गेट्स के ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस सेशन में कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को हिट करेगा सो दैट मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके जब भी मैं सेशन अपलोड करता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज़ लॉजिक गेट। एक लॉजिक गेट क्या होता है? एक लॉजिक गेट होता है एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल सर्किट। बेसिकली लॉजिक गेट में हम लोग डिजिटली इनपुट देते हैं इधर इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन। वन मीन्स हाई, वो स्टेट ऑन है, ओके, और जीरो मीन्स लो, दैट मीन्स वो स्टेट ऑफ है। तो बेसिकली लॉजिक गेट्स आर प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डायोड और ट्रांजिस्टर। लॉजिक गेट अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहे तो अगर आप देख सकते एक स्विच है, मान लो ये भी एक लॉजिक गेट है, एक नॉट लॉजिक गेट है, ठीक है। अगर ये ऑन होता है तो इसमें से करंट फ्लो होगा, अगर ये ऑफ होता है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। लॉजिक गेट फ्लिप फ्लॉप, माइक्रोप्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक बोर्ड्स में भी यूज़ होते हो जाते हैं। हम लोग लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं कुछ चीज़ें सेंस करने के लिए, कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको स्टेटस जानना है। माइक्रोप्रोसेसर जैसे 8085 में भी हम लोग लॉजिक गेट्स को यूज़ करके स्टेटस सिग्नल जान सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें लॉजिक गेट ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। तो जानते हैं लॉजिक गेट्स के टाइप। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। पहला होता है बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल पर्पस गेट। बेसिक गेट्स मतलब दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक गेट्स जिसमें एंड गेट आता है, और गेट और नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट, देखो मैं बताऊँगा इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं क्योंकि इन नैंड और नॉर गेट को लेते हुए हम लोग बाकी के सभी गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे एंड और नॉट, एक्सोर और एक्सनॉर। इन सभी चीज़ों को हम लोग, इन सभी गेट्स को हम लोग यूनिवर्सल गेट को यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। एग्जाम में आपको 100% एक क्वेश्चन आया होगा किसी, अगर आप में से कोई व्यूअर्स होंगे जिन्होंने नोटिस किया होगा कि व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट्स, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हमेशा कन्फ्यूज करता है बिटवीन दीज टाइप ऑफ गेट्स। तो आप याद रखिएगा नैंड एंड नॉर गेट आर द यूनिवर्सल गेट। और थर्ड टाइप ऑफ है कैटेगरी है वो है स्पेशल पर्पस गेट, वो है एक्सोर और एक्सनॉर। चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक गेट से। देखिए सबसे पहला गेट है एंड गेट। बताना चाहूँगा एंड गेट का सिंबल ये इस टाइप का, यहाँ इसमें डी रहता है, ये इसका आउटपुट हो गया वाई। यहाँ पे अगर ए बी, बेसिकली इनपुट दो ही रहते हैं, एक तो दो या फिर एक, जिसे एक इनपुट रहता है नॉट गेट में और बाकी जो भी गेट्स है उसमें दो इनपुट्स रहते हैं। इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे देखो अगर हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट में 1 0 या फिर जो भी हम लोगों को इनपुट देना है डिजिटली, आउटपुट भी हमको ऑब्वियसली बात है डिजिटली ही मिलेगा, इधर 0 और 1, ओके, इसमें ही आपको आउटपुट मिलेगा। बट देखो होता क्या है ना, इनमें हम लोग चार कंडीशंस लगा सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे 1 दे दे ए में और बी में 0 दे दे, या फिर ए में 0 इसमें 1, इस टाइप के हम लोगों के पास चार कंडीशंस होते हैं। इन कंडीशंस टेबल को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ट्रूथ टेबल, इसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। इसमें हम लोग कंडीशंस देखते हैं कि अगर हमारा इनपुट 0 है या फिर 1 है तो उस कंडीशन पे हमारे एंड गेट का आउटपुट क्या होगा। तो देखिए मैं बता दूँ एंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है, अगर हम लोग 0 देते हैं दोनों भी इनपुट्स पे तो हम लोगों का आउटपुट रहेगा 0। 0 दैट मीन्स इट इज़ अ बेसिकली लो सिग्नल, ओके, हमको आउटपुट में भी लो सिग्नल ही मिलेगा। सेकंड भी इनपुट अगर लो है दैट मीन्स 0 है तो हम लोगों का आउटपुट में 0 मिलेगा। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे 1 है और सेकंड इनपुट 0 है तो भी हम लोगों को 0 मिलेगा। अगर सेकंड इनपुट फर्स्ट इनपुट अगर 0 है सेकंड इनपुट 1 है फिर भी हम लोगों को 0 मिलेगा। हम लोगों को आउटपुट 1 कब मिलेगा, जब इसके दोनों भी इनपुट सिग्नल्स वो होंगे 1। आप ट्रुथ टेबल में ये चीज़ें देख सकते हो 1 और 1, इसका आउटपुट है 1। इस तरीके से एंड गेट वर्क करता है। एंड गेट में आप याद रखिएगा व्हेन द बोथ इनपुट्स आर 1 दैट मीन्स एक्टिव हाई 1 1
देन ओनली वील गेट अ आउटपुट एज अ वन वाई इज इक्वल टू. आप ये चीज़ याद में रखिएगा. इस टाइप का एमसीक्यू पूछा जाता है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ. इस टाइप से आपको पूछ सकते हैं व्हेन द आउटपुट ऑफ द एंड गेट विल बी वन, व्हेन द, और उसका आंसर होगा व्हेन एवर द बोथ इनपुट्स आर वन. चलिए चलते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ में. नेक्स्ट गेट है और गेट, एक बेसिक गेट है. मैंने हाईलाइटिंग के लिए आपको बता दिया कि बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल पर्पस गेट. मैं लास्ट में आपको कंपैरिजन करके भी दिखा दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख दिएगा सो दैट आपको उसका क्विक रिवीजन करने में आसानी हो. सेकंड गेट है और गेट. देखो और गेट में हमारे पास टू इनपुट है, उसका जो सिंबल है इस तरीके से होता है. ये थोड़ा कर्व्ड हम लोग सिंबल बना सकते हैं इसका. देखिए यहाँ पे भी दो इनपुट होते हैं ए बी, यहाँ पे भी इसका एक आउटपुट होगा वन वाई, जो कि डिजिटल फॉर्म में होगा. यहाँ पे हम लोग दो इनपुट है तो हम लोग चार कंडीशंस बना सकते हैं, एक तो 00, 01, 10 या फिर 11. तो देखिए क्या होता है और गेट में, अगर ये दोनों भी इनपुट 0 है तो हमारा आउटपुट होगा 0. अगर और गेट की ये खासियत है, अगर दोनों में से कोई भी इनपुट 1 होता है तो इसका आउटपुट जो होगा वो होगा 1. ओके आप देख सकते हैं ट्रूथ टेबल से, दैट मीन्स ये हो गए इनपुट, ये हो गए इसके आउटपुट. 00 पे इसका आउटपुट रहेगा 0. दोनों में से कोई भी, देखो ये अगर ये वन बी वन रहा, ए वन रहा, तो आउटपुट आपको 1 ही मिलेगा, या फिर सेकंड में, या फिर बोथ भी अगर इनपुट 1 हो तो भी आपको आउटपुट 1 ही मिलेगा. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. और गेट का इनपुट आउटपुट में 0 कब रहता है या फिर 1 कब रहता है. अगर इस टाइप के नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्स करके क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. ये सेकंड बेसिक गेट हो गया और गेट. आप इसका सिंबल ध्यान में रखिएगा, फिर भी मैं एंड में आपको रिवाइज कराने वाला हूँ सब चीज़ें. थर्ड गेट है नॉट गेट. देखिए नॉट गेट इस तरीके से होता है, एक ट्रायंगल, उसके आगे एक बबल, इसको होता है एक ही इनपुट. ओके नॉट, नॉट मीन्स अगर हम लोगों ने 0 इनपुट दिया तो हमारा आउटपुट आएगा 1, अगर हमने इनपुट में 1 दिया तो हमारा आउटपुट आएगा 0. इट इज़ अ सिंपली अ इन्वर्टिंग स्विच. हम लोग अगर सिग्नल सर्किट में 0 आया तो हम लोगों को ये आउटपुट 1 देगा, अगर हम लोग इसको 1 इनपुट देते हैं तो सर्किट में आपको 0 मिलेगा. दैट मीन्स इट इज़ इन्वर्टिंग. जो भी हम लोग इनपुट में दे रहे हैं उसका आउटपुट में इन्वर्ट हो रहा है. ये आई होप ये आपको समझ में आऊंगा. इसका आप सिंबल देख सकते हैं, एक ट्रायंगुलर सिंबल है, आगे बबल है, इसको हम नॉट गेट कहते हैं. ये भी एक बेसिक गेट है. आई होप आपको पढ़ाने का स्पीड पसंद आ रहा होगा. अगर कोई भी इशू होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा. आई डेफिनेटली वर्क अपॉन इट. मैं हर एक सेशन में आपको ये चीज़ बोलता हूँ सो दैट आप लोगों की जो भी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग मैं सेशंस को प्रिपेयर कर सकूँ. चलिए देखते हैं नेक्स्ट गेट क्या है. नेक्स्ट है हमारे यूनिवर्सल गेट. उसमें हमारे दो गेट्स आते हैं, नैंड और नॉर. याद में रखिएगा नैंड और नॉर. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नैंड गेट. देखिए नैंड गेट का सिंबल जो है इस टाइप से है. ये एक टाइप का एंड गेट है जिसमें हम लोगों ने नॉट गेट लगा दिया. जैसे कि मैं बता दूं, ये देखो ये अगर एंड गेट है, इसमें अगर हमने नॉट गेट लगा दिया, आपको पता है नॉट गेट इन्वर्ट करता है, इसके दो इनपुट हो गए. हम लोगों को इसको एज इक्वली रिप्रेजेंट कर सकते इस टाइप से, जिसमें नॉट एंड गेट के आगे एक बबल लगा हो जिसमें दो इनपुट होते हैं. देखिए नैंड गेट एकदम अपोजिट है एंड गेट के. एंड गेट में आपको पता है आउटपुट कब वन रहेगा, जब दोनों भी इनपुट वन रहेंगे तो. बट इस केस में इन्वर्ट होता है. जैसे अगर यहाँ पे आउटपुट वन आया तो यहाँ पे जो नॉट गेट लगा होगा आगे वो इसको इन्वर्ट कर देगा, इसको जीरो कर देगा. दैट मीन्स आप देख सकते हैं अगर व्हेन बोथ इनपुट आर जीरो तब हमारा जो आउटपुट रहेगा वो वन रहेगा. ओके अगर हमारा दोनों में से एक भी इनपुट अगर वन है तो आउटपुट जो है वो वन रहेगा. अगर हमारे दोनों भी इनपुट वन है तब हमारा आउटपुट जीरो रहेगा. सेम इन द केस ऑफ एंड गेट. हमारा यहाँ पे इन्वर्ट हो रहा है. इन्वर्ट किसके कारण, किसके से हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, नॉट गेट के कारण. इसलिए आप देख सकते हैं नैंड गेट का ट्रूथ टेबल हमारे इसमें, अगर व्हेन बोथ इनपुट आर वन देन द आउटपुट विल बी जीरो. ये आप ध्यान में रखिएगा. फिर भी हम लोग इसको एंड में रिवाइज करने वाले. अभी हम लोगों ने देखा होगा और गेट. और गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है. अगर हम लोग इसमें एक नॉट गेट लगा दे आगे जो कि इन्वर्ट करेगा तो हम लोगों को ये नॉर गेट मिलेगा. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा नॉर गेट किस तरीके से बना. ये देखो यहाँ पे बबल लगा दिया और ये बन गया हमारा नॉर गेट. इसमें क्या होता है ना, सेम इन्वर्टेड है इसकी कैरेक्टर, इसका ट्रूथ टेबल टू द और गेट. बट ये एक यूनिवर्सल गेट है. आप ध्यान में रखिएगा
जब उसके दोनों भी इनपुट जीरो रहेंगे तभी इसका आउटपुट वन रहेगा। अगर दोनों में से एक भी इनपुट वन रहता है या फिर मतलब एक भी इनपुट हाई रहता है या फिर दोनों भी इनपुट हाई रहते हैं तो हमारा आउटपुट हमको जीरो ही मिलेगा। आप देख सकते हैं सिर्फ अनलेस एंड अनटिल अगर हमारा दोनों भी इनपुट जीरो एक्टिव लो सिग्नल्स हम लोग इनपुट देंगे तभी जाके हमारा आउटपुट वन मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे नॉर गेट। अब चलते स्पेशल पर्पस गेट के बारे में। इसका ट्रूथ टेबल हम देखते हैं, इसका सिंबल किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखो ये डबल लाइन्स है, इसमें इस तरीके से इसका सिंबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका एक्सक्लूसिव और एक स्पेशल पर्पस गेट है। इसमें क्या होता है ना, इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर दोनों भी इनपुट जीरो है या फिर दोनों भी इनपुट वन है तो हम लोगों को इसका आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा जीरो। आप याद रखिएगा इसका आउटपुट में रहेगा जीरो। अगर दोनों में से एक भी इनपुट वन है, एक तो इधर जीरो, एक तो ए या फिर बी, तभी जाके हमारा आउटपुट जो है वो वन मिलेगा। दैट मीन्स हम लोगों को एक्टिव हाई सिग्नल आउटपुट में मिलेगा। याद रखिएगा दोनों में से कोई भी अगर एक इनपुट ही अगर हमारा एक्टिव होगा मतलब हाई होगा वन होगा तभी जाके हमारा आउटपुट वन रहेगा, अदरवाइज हम लोगों को जीरो आउटपुट मिलेगा। हम लोगों ने दोनों भी शुरू कर दिए, दोनों भी एक्टिव हाई सिग्नल दे दिया वन वन तो हमारा जीरो रहेगा, या फिर दोनों भी जीरो दे दिए तो हमारा आउटपुट भी जीरो ही रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आऊँगा। सेम इन द केस ऑफ एक्सनॉर गेट, आपने देखा इसके पहले का ट्रूथ टेबल, अभी इसका ट्रूथ टेबल देखो। यहाँ पे एक्सनॉर में क्या है ना, एक्सनॉर में है नॉट गेट, आपने देखा होगा जहाँ पे बबल आया समझ लो नॉर गेट है, नॉट गेट हमने इसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। उसका आउटपुट इन्वर्ट होने वाला है यहाँ पे ए और बी। इसमें कैसी कंडीशन है, अगर हमारे दोनों भी इनपुट जीरो रहते हैं या फिर दोनों भी इनपुट अगर वन रहता है तभी जाके हमको आउटपुट वन मिलता है। अगर दोनों में से एक भी अगर जीरो रहता है फिर वन रहता है तो हम लोगों को आउटपुट में वन नहीं मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आऊँगा। चलिए चलते हैं, अभी हम लोग रिवाइज करते हैं ये सब चीज़ें। देखो मैंने आपको यहाँ पे इंडेक्स में लिख दिया है, येलो कलर से जो भी हाईलाइटेड है वो है बेसिक गेट्स, ब्लू कलर से जो भी हाईलाइट है वो है यूनिवर्सल गेट जो कि है नैंड और नॉर गेट, और ग्रीन कलर के जो हाईलाइटेड है नेक्स्ट स्लाइड में वो होंगे स्पेशल पर्पज़ गेट। आप देख सकते हैं एंड गेट का यहाँ पर, अगर आप देख सकते होंगे इसका ट्रूथ टेबल, तो अगर बोथ इनपुट वन रहेगा तो ही जाके हम लोगों का आउटपुट वन मिलेगा। नैंड में इसका अपोजिट है, अगर बोथ अगर वन रहेगा तो आउटपुट जीरो रहेगा। आप देख सकते हो ये सब तीन चीज़ें यहाँ पे जीरो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लग गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ सो दैट आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो नए आते हैं जो अभी इंटरमीडिएट स्टेज में है उन लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करना काफ़ी दिक्कत भरी बात हो जाती है, इसलिए मैं बेसिक चीज़ से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखते हैं ऑर गेट और नॉर गेट का, इसका ट्रूथ टेबल देख सकते हो। कोई भी अगर इनपुट वन रहा या फिर दोनों भी इनपुट वन रहे तो हम लोगों को आउटपुट वन मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट सेम इन द केस ऑफ, यहाँ पे इन्वर्ट हो गया वो केस ट्रूथ टेबल में, अगर दोनों भी इनपुट वन है या दोनों में से एक वन है तो हम लोगों को आउटपुट वन मिलता है। जब हमारा दोनों भी इनपुट जीरो रहते हैं तो तभी जाके हम लोगों को आउटपुट एज अ वन मिलता है। अभी इनमें देखिए, ये स्पेशल पर्पस गेट और एक नॉट गेट एंड में लिख दिया मैंने, यहाँ पे देख सकते हो एक्सऑर गेट और एक्सनॉर क्या, इसके आउटपुट के ट्रूथ टेबल देख सकते हो आप। ओके यहाँ पे वन वन है जीरो या फिर वन कंडीशन में, अगर यहाँ पे वन जीरो वन रहेगा तभी जाके वन मिलेगा, अगर यहाँ पे जीरो वन रहेगा तो उसका आउटपुट जीरो मिलेगा। सेम इन्वर्ट कर दी गई है इसके ट्रूथ टेबल इसके साथ में। आई होप आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, इन चीज़ों को मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ सो दैट आप उसको डिटेल में देख सको। और सिमिलरली हमारा एक लास्ट नॉट गेट, ये एक सिंगल इनपुट गेट है, नॉट गेट इन्वर्टेड गेट है, अगर हम एज ए इन्वर्टर करके भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टर मतलब वो इन्वर्टर नहीं जो कि आप डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए यूज़ है, इट इज़ इन्वर्टर मींस बेसिक इन्वर्ट करने के लिए। अगर आप डिजिटली वन दे रहे हो तो आपको आउटपुट मिलेगा जीरो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये आपको सेशन समझ में आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को हिट करेगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वर्क करूँगा। और इस सेशन को आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप शेयर करेगा। इसका पीडीएफ मैं जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।